नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 31 तारीख मेवाड़ क्षेत्र के लिए काफ़ी खास होने वाला है। इस दिन उदयपुर से दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी होने वाली है। एक तो उदयपुर से बड़ी सादड़ी मावली के रास्ते जुड़ने वाला है, जो कि गेज कन्वर्जन हुआ नया ट्रैक है, और दूसरा महत्वपूर्ण जुड़ाव है उदयपुर से रीवा के लिए ट्रेन का शुभारंभ भी इसी दिन हो रहा है। तो बहुत दिनों से इस ट्रेन की मांग क्षेत्रवासियों के द्वारा की जा रही थी, जिसमें कि करीब चार क्षेत्र लाभान्वित होंगे। विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, हड़ौती क्षेत्र और मेवाड़ क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फायदा इस ट्रेन के चलने से मिलेगा। दोनों शहरों के बीच में यह महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी 31 तारीख से जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगी। शुरुआत में साप्ताहिक और स्पेशल ट्रेन के रूप में इसका शुभारंभ किया जा रहा है, परंतु उम्मीद की जा रही है कि इसको रेगुलर भी आने वाले समय में किया जा सकता है। बीच के कई महत्वपूर्ण स्टेशन इस ट्रेन सेवा से लाभान्वित होंगे। बात करें 31 जुलाई को रीवा से उदयपुर के लिए 021-83 उद्घाटन स्पेशल गाड़ी दोपहर 3:30 बजे रीवा से चलेगी, जो कि सतना, मैहर, कटनी, मुदवारा, दमोह, सागर, मालखेड़, अशोकनगर, मुंगावली, गुना, रुठियाई, बारन, अंता, सोगरिया, बूंदी, मंडलगढ़, चंदेरिया, कपासन और मावली जंक्शन होते हुए राणा प्रताप नगर उदयपुर अगले दिन सुबह 10 बजे के करीब पहुंच जाएगी। और इस ट्रेन में कुल 24 कोच होंगे, जिसमें से एक फर्स्ट एसी, एक सेकंड एसी, 5 थर्ड एसी, 11 स्लीपर और 4 जनरल कोच होंगे। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण रेल सेवा क्षेत्र के लोगों को आने वाले दिनों में मिल रही है। और जो उद्घाटन स्पेशल के बाद में रेगुलर ट्रेन चलाई जाएगी, वह 021-81 रीवा उदयपुर और 021-82 उदयपुर रीवा के नंबर से चलाई जाएगी। और इसका चलने का दिन रीवा से रविवार को और उदयपुर से सोमवार को रहेगा। रीवा से यह गाड़ी रात को 8:55 पर रेगुलर चलेगी। उदयपुर यह दोपहर 2:20 सोमवार को पहुंच जाएगी। वहीं वापसी में उदयपुर से यह शाम को 5:20 पर रवाना होगी। रीवा अगले दिन मंगलवार को सुबह 10:30 के करीब में पहुँच जाएगी। तो यह हॉलीडे स्पेशल के रूप में फ़िलहाल में 4 ट्रिप के लिए चलाई जा रही है। तो इसका फ़ायदा सभी लोगों को मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। उदयपुर से इसका चलने की तारीखें 1 अगस्त से 29 अगस्त तक 5 ट्रिप है, और रीवा से जो 31 जुलाई के उद्घाटन के बाद 7 अगस्त से 28 अगस्त तक कुल 4 ट्रिप के लिए चलाई जा रही है। परंतु अच्छा रिस्पांस यदि मिलेगा तो इसका एक्सटेंशन पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा किया जा सकता है। इसका जो उद्घाटन स्पेशल गाड़ी है 31 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र की जनता अधिक से अधिक इस ट्रेन का उपयोग करे, जिससे कि इसके भविष्य में फेरे बढ़ाए जा सकें तथा यह रेगुलर हो सके। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।